CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के एक पाठ के अभ्यास पर आधारित कार्यक्रम सुनो और समझो। छुट्टियों के बाद कक्षा में बच्चों की चहचहाहट है। अध्यापक बच्चों को बारी बारी बुलाकर छुट्टियों के अनुभव बताने के लिए कहते हैं। चिंटू। जी सर। चिंटू बेटा यहाँ पर आओ। आया सर। हाँ आ जाओ, शाबाश। अच्छा बताओ, तुमने छुट्टियाँ कैसे बिताई? सर मैं नागौर गया था, वहाँ मेरी नानी रहती है। नानी के यहाँ मुझे खूब मजा आया, मैं खूब खेला कूदा, मनमानी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह बहुत बढ़िया चिंटू, बहुत बढ़िया। अच्छा रजनी अब तुम बताओ, छुट्टियों में तुम कहाँ गई थी? पिताजी किसी काम से हैदराबाद गए थे। अच्छा। जिद करने पर मुझे भी ले गए। अरे वाह। वहाँ चार मीनार, गोलकोंडा और रामोजी फिल्म सिटी देखकर मुझे बहुत मजा आया, मन तो किया कि वहीं रह जाऊं। वाह वाह भाई, तुम्हारी बातें सुनने के बाद हमें भी हैदराबाद घूमने का मन कर रहा है। अच्छा क्या हमें भी हैदराबाद ले चलोगी? हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगी। अच्छा अब मैं 3 बच्चों का किस्सा सुनाता हूँ, वो भी तुम्हारी तरह कहीं घूमने गए थे। रामू, टोनी और शिखा, ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं? मिलजुल कर। हाँ। और जानते हो बच्चों, ये तीनों एक ही जगह पढ़ते भी हैं। गर्मी की छुट्टियों में रामू कोलकाता जाता है। कहाँ जाता है? कोलकाता। हाँ। और टोनी दिल्ली जाता है। कहाँ पर? दिल्ली। हाँ। और शिखा पता है कहाँ जाती है? भोपाल जाती है। तो बच्चों रामू कोलकाता जाते समय रास्ते में भेड़ों को चढ़ते हुए देखता है। किनको देखता है चढ़ते हुए? भेड़ों को। टोनी को रास्ते में कई बकरियां दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? बकरियां। बकरियां किसको दिखाई देती हैं? टोनी को। शाबाश। जबकि शिखा भोपाल जाने पर हाथी की सवारी करती है। किसकी सवारी करती है? हाथी की। अच्छा ये बताओ कि हाथी की सवारी कौन करती है? शिखा। शिखा। कहाँ पर जाकर? भोपाल। शाबाश शाबाश। और बच्चों रामू, रामू देखता है कि कोलकाता में बहुत सारे मोर हैं। टोनी को दिल्ली में कबूतर की गुटर गू सुनाई देती है। तो किसको गुटर गू सुनाई देती है? टोनी को। टोनी। किसकी सुनाई देती है? कबूतर की। शाबाश। तो बच्चों आगे सुनो, शिखा को भोपाल में उल्लू दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? उल्लू। हाँ। रामू वापस आते समय नई कमीज पहनकर आता है। नई कमीज कौन पहनकर आता है? रामू। हाँ। टोनी कुर्ता और शिखा फ्रॉक पहनकर आते हैं। छुट्टियों के बाद तीनों स्कूल में मिलते हैं। रामू उस दिन भिंडी की सब्जी, टोनी बैंगन की सब्जी और शिखा आलू की सब्जी लेकर आते हैं। अच्छा ये बताओ कि रामू उस दिन कौन सी सब्जी लेकर आता है? भिंडी की। भिंडी की। शाबाश। और टोनी? बैंगन की। बैंगन की। और आलू की सब्जी कौन लेकर आता है? शिखा। हाँ। रामू अपनी सब्जी शिखा को, टोनी अपनी सब्जी रामू को और शिखा अपनी सब्जी टोनी को दे देते हैं। तीनों मिलजुल कर खुशी खुशी खाते हैं। और पता है जब खुशी खुशी खाते हैं तो क्या करते होंगे? बताओ बताओ। अरे हंसते होंगे। और क्या? तो कैसे हंसते हैं बताओ बताओ। ये हुई ना बात, शाबाश। अच्छा बच्चों सुनो सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब मेरा पहला प्रश्न है, यहाँ पात्रों के नाम क्या क्या है? रामू, और शिखा। शाबाश। अच्छा बच्चों यहाँ पर और क्या क्या बताया गया है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। मैं सार्थक। चलो ठीक है बताओ।
यहाँ जगहों, पशु पक्षियों, कपड़ों और सब्जियों के नाम बताए गए हैं। शाबाश सार्थक, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ कि कहानी में किन किन पक्षियों के नाम आए हैं, कौन बताएगा? मेलिका। हाँ जिशा तुम बताओ। यहाँ मोर, कबूतर और उल्लू, इन पक्षियों के नाम आए हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही बताया तुमने। अच्छा इस कहानी में आई जगहों के नाम कौन बताएगा? मैं। ठीक है, वेदिका बताएगी। बताओ वेदिका, बताओ। यहाँ कोलकाता, दिल्ली और भोपाल जगहों के नाम आए हैं। शाबाश वेदिका, शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने। यहाँ पर कोलकाता, दिल्ली और भोपाल जगहों के नाम आए हैं। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ किन किन कपड़ों के बारे में बताया गया है, ये कौन बताएगा? मैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, नहीं सार्थक आपने बता दिया, आप बताओ बेटा आपका नाम क्या है? अभिजया। हाँ तो अभिजया तुम बताओ कि यहाँ पर किन किन कपड़ों के बारे में बताया गया है? यहाँ कुर्ता, कमीज और फ्रॉक के बारे में बताया गया है। बहुत बढ़िया अभिजया। अच्छा अब कोई क्या ये बता सकता है कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं? हिरण्या तुम बताओ। इस कहानी में भेड़, बकरी और हाथी, इन जानवरों के नाम आए हैं। शाबाश हिरण्या, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पर इस कहानी में भेड़, बकरी और हाथी जानवरों के नाम आए हैं। अच्छा अब मेरा आखिरी प्रश्न, उत्तर सोच समझ कर बताना। और मेरा प्रश्न ये है कि रामू कौन सी सब्जी खाता है? मैं निशांत। हाँ निशांत तुम बताओ कि रामू कौन सी सब्जी खाता है? जी सर, रामू भिंडी की सब्जी खाता है। नहीं निशांत ये तो नहीं है। अच्छा और कौन बताएगा? सर मैं नमन। ठीक है नमन तुम बताओ। सर रामू बैंगन की सब्जी खाता था। बैंगन की सब्जी, पर वो कैसे नमन, थोड़ा हमें भी समझाओ। वो हाँ बोलो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। सब बच्चे सुनो, देखो बच्चों, रामू भिंडी की सब्जी लेकर आता है लेकिन वो शिखा को दे देता है। किसको दे देता है? शिखा को दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिखा ने कौन सी सब्जी खाई? भिंडी की। वेरी गुड, शाबाश। तो शिखा आलू की सब्जी लाती है। किसकी सब्जी लाती है शिखा? आलू की सब्जी। और वो उसे टोनी को देती है। किसको देती है? टोनी को। तो इसका मतलब टोनी ने आलू की सब्जी खाई। किसकी सब्जी खाई? आलू की। और टोनी बैंगन की सब्जी लाता है। किसकी सब्जी लाता है? बैंगन की। टोनी बैंगन की सब्जी लेकर आता है और वो उसे रामू को दे देता है। किसको दे देता है? रामू को। शाबाश। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रामू ने बैंगन की सब्जी ही खाई। कौन सी सब्जी खाई? बैंगन की। बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या कोई ये बता सकता है कि तीनों ने अपनी अपनी सब्जी एक दूसरे में क्यों बांटी? हाँ तो ठीक है वेदिका, तुमने हाथ खड़ा किया, तुम बताओगी। शाबाश बताओ बेटा। क्योंकि वे तीनों अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त एक दूसरे की पसंद नापसंद समझते हैं। शाबाश शाबाश वेदिका, बहुत बढ़िया। हमें भी रामू, टोनी और शिखा की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसी बात पर जोरदार ताली हो जाए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो और समझो। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय सह आचार्य रमेश कुमार, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, ध्वन्यंकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, कलाकार प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह, बाल कलाकार वान्या, आरुष, आयान, वेदिका, अभिजया, सार्थक, जीशा, नमन, निशांत, लवीश, मिष्टी, खुशी और हिरण्या, परामर्श अजीत होरो।
निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो आप हमसे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।